यहाँ हमने एक वेल डग किया है जिसका डायमीटर 3 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, और वेल की जो हाइट है वो 14 मीटर डीप। यहाँ से हमने जो मिट्टी निकाली उसे हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया। और एम्बैंकमेंट बनाया है जो 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। अब रेडियस ऑफ वेल आर इज इक्वल टू 1.5, हाइट इज इक्वल टू 14 मीटर, इसे एच मान लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वेल एक सिलेंडर शेप है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 3/2 या 1.5 मल्टीप्लाई 14, तो यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 14, तो कटिंग करके 2 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर 1, इसे इसके कटिंग करो 11, 11 3 33 मल्टीप्लाई 399 मीटर की। तो लेट रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4 + 1.5, तो 5.5 मीटर ये आउटर रेडियस है, और इनर रेडियस आर इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो लेट हाइट ऑफ एम्बैकमेंट एम्बैकमेंट इज इक्वल टू एच, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो आपने पहली क्वेश्चन थी उसे नंबर 1 और इसे नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट होगा और वॉल्यूम ऑफ वेल होगा वो इक्वल होगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 99 मीटर क्यूब। तो यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 99, तो 22/7 मल्टीप्लाई 5.5 + 1.5, और 5.5 - 1.5 इज इक्वल टू 99। यहाँ मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमारे पास ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 99, तो 7 से 7 कट गया एच एच, तो हमारे पास 88 एच इज इक्वल टू 99, एच इज इक्वल टू 99/88, कटिंग करके 8 यहाँ 9, तो 9/8 1.125 मीटर, ये हाइट ऑफ एम्बैकमेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारे पास एक सर्कल है और ए बी और सी डी और यहाँ सेंटर ओ, यहाँ पी और यहाँ क्यू, ए बी सी डी। ए बी हमें गिवन आउट है 6 सेंटीमीटर और सी डी हमें सिर्फ गिवन आउट है 8 सेंटीमीटर। और एक और चीज़, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर
और ये 8 सेंटीमीटर। तो ओपी परपेंडिकुलर टू एबी एंड पासिंग थ्रू सेंटर, सो ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ एबी। तो हम कह सकते हैं एपी इज इक्वल टू पीबी, एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और एपी और पीबी बराबर हैं, एपी प्लस एपी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और 2AP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो AP का 6/2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इन ट्रायंगल AOP, AOP OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है वो OP है, और बेस इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 9, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो OP इज इक्वल टू √16, तो प्लस माइनस, तो OP इज इक्वल टू 4, प्लस का ही लेना, माइनस छोड़ देना है। इसी तरह से हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल CO CO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू OQ, बेस इज इक्वल टू CQ, ये उसी सिमिलरली है, 4 सेंटीमीटर आएगा आपको, क्योंकि कोण जो है CD हमें 8 सेंटीमीटर दिया है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ² प्लस CQ² 4 स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू OQ² प्लस 16, तो OQ² इज इक्वल टू 25 माइनस 16, और OQ इज इक्वल टू √9, और ये 3 आ गया। तो आगे हमें गिवन है AB परपेंडिकुलर टू CD, और सो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं और POQ एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो PQ इज इक्वल टू PO प्लस OQ, PQ इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आंसर।